Today once again on my YouTube channel. Today we will discuss about parental products. तो आगे बढ़ने से पहले I request to you please subscribe my channel, share and like, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आ सकूँ। तो आइए बात करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट होते क्या हैं। मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि मतलब जो भी चीज़ आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, जैसे आप इंजेक्शन कोई नस में लगता है इंजेक्शन, मांसपेशी में लगता है, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि जो प्रोडक्ट आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हो वो सब आते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की, पेरेंटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इधर पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर द इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंजेक्शंस और इम्प्लांटेशन। मतलब कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं वो दिए जाते हैं, एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा और इम्प्लांटेशन मतलब दाखिल किए जाते हैं थ्रू द स्किन के थ्रू और अदर एक्सटर्नल लेयर सच एज स्टर्नम कोनियम और क्या, और दूसरी किसी एक्सटर्नल जो बाहर की सुपरफिशियल लेयर है उनके थ्रू, जैसे स्टर्नम कोनियम। जैसे कि मतलब स्टर्नम कोनियम मीन्स जो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है बाहर वाली लेयर, जैसे इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड डायरेक्टली इनटू बॉडी फ्लूड और क्या, और बॉडी फ्लूड में फॉर एग्जांपल ब्लड में देते हैं, जैसे कि हम जो आई इंजेक्शन देते हैं ब्लड में, ब्लड एंड टिश्यू एंड ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल प्रोडक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। तो देयर आर 7 and 8 टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 6 टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस सॉल्यूशन। एज यू नो दैट एक्वस सॉल्यूशन मींस वेयर इज सॉल्यूशन इज वाटर। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या है, वाटर होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस। तो दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि आप एक्वा सॉल्यूशन में जैसे कि आप NaCl का सॉल्यूशन बनाते हो, घर पे बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। नाउ सेकंड इज ऑयली सॉल्यूशन। ऑयली सॉल्यूशन मींस वेयर द सॉल्यूशन इज ऑयल। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सॉल्यूशन का काम क्या करता हो, सॉल्वेंट का काम क्या करता हो, ऑयल करता हो, उनको कहते हैं ऑयली सॉल्यूशन। एंड दैट इज थर्ड इज एक्वा सस्पेंशन। वेयर मतलब एक्वा सस्पेंशन मींस वेयर द सॉल्वेंट इज वाटर and the solute is solid that is dispersed in aqueous medium. And now fourth is oily suspension। मतलब कि मतलब जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर solvent का काम क्या करेगा, oil करेगा और क्या होगा, और जो solute particle होगा that is जो suspended particle that is solid। Now this fifth that is emulsion। As you know that कि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं emulsions के बारे में, मतलब क्या होता है इमल्सन्स में, क्या होता है कि दो फेज होते हैं, दोनों लिक्विड फेज होते हैं, जैसे कि वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। एंड एग्जांपल ऑफ दैट इज विटलिपिड एन। विटलिपिड एन की इंजेक्शन आता है जो आप सस्पेंशन फॉर्म में होता है। नाउ सिक्स इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन मींस जहां पर क्या जो पार्टिकल साइज क्या हो, इतना माइनूट हो कि मतलब 0.1 nanometer to 100 nanometer तक हो, उसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बात करते हैं एग्जांपल इसका, आयरन डेक्सट्रोन का इंजेक्शन आता है, जैसे कि आप जो है आयरन डेक्सट्रोन का इंजेक्शन आता है जो बीपीस फार्माकोपिया के अनुसार, तो वो क्या करता है कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। तो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, किन किन रूट से हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। नाउ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस किस तरह से इंजेक्शन दे सकते हैं, किस किस रूट से इंजेक्शन दे सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देयर आर सो मेनी रूट, डिस्कस अबाउट 7 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब जैसे कि आप देखते हो नॉर्मली आप लेते हो कि मतलब जो इंजेक्शन आपको नस के थ्रू दिया जाता है, जैसे नसों में जो इंजेक्शन लगाते हैं उनको कहते हैं इंट्रावेनस, दैट इज आई वी इंजेक्शन। और जिनका वॉल्यूम होता है मतलब कितना वॉल्यूम दिया जाता है उसमें, यानी 0.5 ml to 1 liter तक। मतलब कि जैसे आपको पता है कि कोई इंजेक्शन देते हैं आप तो कितना 0.5 ml से 1 लीटर तक दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मतलब जो ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगाते हैं डिहाइड्रेशन कंडीशन में, तो क्या होता है वो 1 liter में होती है, 0.5 liter में होती है, तो क्या 0.5 ml से 1 लीटर तक हम लगा सकते हैं इसको। फिर बात करते हैं इंट्रामस्कुलर की। इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स में लगाए जाते हैं, जैसे कि आप जो TT का इंजेक्शन होता है, जैसे आप टेटनस का इंजेक्शन होता है, तो वो कहाँ लगाया जाता है, वो मसल्स में लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे लगता है वो, और या आपके अपर द हिप के ऊपर लगता है, तो डेट इज कॉल्ड
इंट्रा मसल, जो इंट्रा मसल में मतलब उसको आईएम कहते हैं। और बता उसका कितना वॉल्यूम हम ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम अप टू 2 एमएल इन डेल्टोइड मसल, मतलब अप टू मतलब 2 एमएल तक इसमें डेल्टोइड मसल्स में, और अप टू 5 एमएल तक इन ग्लूटियल मसल्स में। तो बात अब थर्ड बात करते हैं सबकुटेनियस की। सबकुटेनियस मींस जो आप कहां पे लेते हैं, जो आप जो मतलब आपकी हमारी जो हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है डर्मिस, उसके जो नीचे 2-3 लेयर होते हैं, डर्मिस होती है या एपिडर्मिस होती है, दैट इज, तो उसमें जो डीप लेयर होती है उसमें लेते हैं सबकुटेनियस। सबकुटेनियस मतलब एससी, उसको क्या कहते हैं, उसको एससी के नाम से जानते हैं। तो सब कितना वॉल्यूम ले सकते हैं उसका, हम उसका वॉल्यूम लेते हैं हम अप टू 1 एमएल, मतलब कितना एमएल, मैक्सिमम 1 एमएल तक ले सकते हैं, उससे ऊपर की डोज नहीं ले सकते। फिर बात करते हैं इंट्रा डर्मिनल की। इंट्रा डर्मिनल का मतलब होता है जो हमारी सुपरफिशियल स्किन होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर डर्मिस, तो उसमें लेते हैं, इसको कहते हैं इंट्राडर्मल। तो उसको कितना ले सकते हैं, इसको मैक्सिमम अप टू 0.2 एमएल तक, कितना 0.2 एमएल तक ले सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली कितना देते हैं 0.1 एमएल ही देते हैं इसको एपिडर्मिस में। और अब बात करते हैं इंट्रा आर्टियल। इंट्रा आर्टियल का मतलब होता है जो इंजेक्शन डायरेक्ट आर्टरीज में दिए जाते हैं, मतलब जो डायरेक्ट आर्टरीज में दिए जाते हैं वैसोडिलेशन के लिए, मतलब आर्टरीज को डायलेट करने के लिए दो दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन। नाउ सिक्स इज इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक आर दोज इंजेक्शंस व्हिच आर डायरेक्टली गिवन इनटू हार्ट मसल्स, मतलब हार्ट की मसल्स में दिए जाते हैं या हार्ट के वेंट्रिकल्स में दिए जाते हैं। ये क्या है, इमरजेंसी केस में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्राकार्डियक। नाउ लास्ट इज इंट्रास्पाइनल। इंट्रास्पाइनल मींस जो आपकी स्पाइनल कोड में डायरेक्टली कहाँ पे एंटर करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं उसको स्पाइनल कोड में, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, डायरेक्ट उसमें एंटर करते हैं। तो इसका कितना वॉल्यूम देते हैं, इसका वॉल्यूम देते हैं अप टू 20 एमएल तक, मतलब 20 एमएल तक दे सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें ना तो कोई बैक्टीरियासाइड्स होना चाहिए ना कोई एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, क्योंकि पता है जब हम उसको डायरेक्ट आप स्पाइनल कोड में दे रहे हो तो उसमें कोई बैक्टीरियासाइड्स नहीं होना चाहिए, मतलब बैक्टीरियासाइड यूज़ करते हैं ना कि मतलब रिटार्ड टू मैक्रो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उसमें कोई किसी प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार कोई बैक्टीरियासाइड्स नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको फर्दर आगे करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।